नमस्कार दोस्तों, सीएससी फेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको स्पाइस मनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। जी हां, अगर आप स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, या आप कोई पोर्टल के बिजनेस में आना चाहते हैं, अपना खुद का पोर्टल स्टार्ट करना चाहते हैं, या मल्टी रिचार्ज पोर्टल का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा देता है कि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं स्पाइस मनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम जान लेते हैं कि अगर आप बिजनेस को चालू करते हैं, स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो आपको इनकम जो है कहाँ से जनरेट होगा। तो इनकम जनरेट होने के यहाँ पे मोटे मोटे दो सोर्स है। एक है आपका न्यू रिटेलर साइनअप, जहां पे आप नया रिटेलर जो बनाएंगे, नया आईडी जो बेचेंगे, वहां से आपको इनकम जनरेट होगा। और सेकंड इनकम जनरेट होगा आपको जो रिटेलर आपने बनाया है वो जितने ट्रांजेक्शन करेंगे उन पे आपको 0.5% का ओवरहेड मार्जिन मिलेगा। ठीक है, तो ये दो सोर्स ऑफ इनकम होगा जहां से आपको इनकम जनरेट होगा। अब आता है कि पोर्टल लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा। तो पोर्टल लेने के लिए मैंडेटरी है आपको 10 आईडी लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक आईडी की कॉस्ट जो है वो है 700 रुपये, 700। तो 700 हो गया एक आईडी की कॉस्ट और आपको लेनी है 10 आईडी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका हो गया 7000 रुपये का मिनिमम। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी आप आईडी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अब बात करते हैं कि आईडी मतलब पोर्टल लेने के बाद आपका क्या इनकम जनरेट होगा, कैसे होगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 7000 रुपये का, ठीक है, और वन टाइम प्रॉफिट जो है आपको 5000 रुपये का मिल जाएगा। कैसे, तो आईडी आपने 700 के रेट में खरीदी है और आईडी का जो बेचने का रेट है आज के रेट में 1200 रुपये। अगर आपने 10 आईडी को बेच दिया 1200 में, तो पर आईडी पे 500 रुपये का प्रॉफिट होता है आपको, और 10 आईडी के टोटल बन गए आपके 5000 रुपये। तो ये था वन टाइम प्रॉफिट। और मंथली इनकम हो गया आपका 15000 का। कहाँ से, तो आपने 10 रिटेलर बनाया है, एक रिटेलर मान लीजिए दिन के 100 ट्रांजेक्शन अगर करता है, ठीक है, एक रिटेलर 100 ट्रांजेक्शन करता है सब मिला के, मोबाइल रिचार्ज, ईपीएस, पैन कार्ड और मनी ट्रांसफर वगैरह वगैरह सब मिला के, तो वहां पे 0.5% का आपका कमीशन है जो एक रिटेलर से बनता है दिन के 50 रुपये, और 10 रिटेलर हो गए तो बनता है दिन के 500 रुपये, और महीने के उस हिसाब से हम देखें तो 15000 रुपये यहां से जनरेट हो जाएगी। ये जो इनकम है ये पूरा प्रोजेक्टेड इनकम है। अगर आपका रिटेलर एक्टिव नहीं है तो आपका जो इनकम होगा कम होगा, और आपका रिटेलर ज्यादा एक्टिव है तो इनकम जो है बढ़ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पोर्टल लेना है तो आप कैसे लीजिएगा। लेने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या इस नीचे दी गई मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। तो मेल करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स आपकी क्वेरी है आप वहाँ से जान सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये पोर्टल ठीक है आपके लिए और आप इसमें जो है प्रॉफिट बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो आप ये पोर्टल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो ऐसे टाइम पे देख रहे हैं जहाँ पे आप कॉल करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दें और कंपनी के तरफ से या सेल्स टीम की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो स्पाइस मनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।